गुजरात के कच्छ में लोग इन दिनों कुदरत का कहर झेल रहे हैं। यहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कहीं नदी के तेज बहाव में मवेशी बह गए हैं तो कहीं सड़कें दरिया नजर आ रही हैं। देखिए जरा, कच्छ में बाढ़ बारिश से हाहाकार, पानी के तेज बहाव में बह गए मवेशी। बीच सड़क पर फंस गया बाइक सवार। अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के कच्छ में बरसात ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में इतना पानी भर चुका है कि लोगों के घर, मकान, दुकान सब डूब गए हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में लोग इसी तरह कुदरत का रौद्र रूप झेल रहे हैं। जून का महीना अभी बीता भी नहीं और कच्छ से तबाही की तस्वीरें आने लगी हैं। खोड़ासार में नदी का तेज बहाव भैंसों को बहा ले गया। मवेशी पालक के सामने उनकी तकरीबन 15 भैंसें पानी के इस तेज बहाव में बह गईं। करीब आधा किलोमीटर तक ये भैंस पानी में बहती रहीं। कच्छ के नकतराना इलाके की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। पानी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार ने सड़क से गुजरने की कोशिश की तो वो बाइक के साथ पानी के बहाव के साथ बहने लगा। हालांकि इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचा लिया। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। भुज में बारिश के दौरान सनराइज अपार्टमेंट पर बिजली गिर गई, जिससे चौथी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा नीचे गिर गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय होने से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 7 दिनों में पूरे गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है। सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है और जिन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच और तापी हैं जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। जैसे जैसे मानसून की रफ्तार बढ़ेगी पूरे गुजरात में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। कच्छ से कौशिक कांठेचा के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश दमन से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरत से लड़कों का एक ग्रुप दमन घूमने गया। इस दौरान 2 लड़के समुद्र की लहरों में फंस गए। समुद्र में तेज लहरों के बावजूद दोनों ही लड़के किनारे के पास खड़े थे, तभी समुद्र से आई एक बड़ी लहर में वो बह गए। लोगों ने उन्हें बचाने की बड़ी कोशिशें की लेकिन लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि दोनों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद प्रशासन ने समुद्र किनारे जाने पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। सूरत से लड़कों का एक ग्रुप दमन घूमने गया। इस दौरान 2 लड़के समुद्र की लहरों में फंस गए। समुद्र में तेज लहरों के बावजूद दोनों ही लड़के किनारे के पास खड़े थे, तभी समुद्र से आई एक बड़ी लहर में वो बह गए। लोगों ने उन्हें बचाने की बड़ी कोशिशें की लेकिन लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि दोनों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद प्रशासन ने समुद्र किनारे जाने पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई में भी मॉनसून दस्तक दे चुका है, बारिश भी अच्छी हुई है। इस वक्त कई लोग घूमने के लिए मरीन ड्राइव पहुंचते हैं। एक ऐसी ही महिला मरीन ड्राइव पहुंची हुई थी लेकिन 60 साल की वो महिला समंदर में गिर पड़ी। भला हो उन 2 पुलिस वालों का जो वहां ड्यूटी पर तैनात थे, फौरन उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी और अपनी जान पर खेलकर
इस महिला को बचा लिया। मुंबई के मरीन ड्राइव में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखिए। पुलिस वाले समंदर में गिरी महिला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे दो कांस्टेबल मौजूद हैं, जो महिला को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं और ऊपर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, अब महिला सुरक्षित है, बदहवास है, हैरान और परेशान। महिला को पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मुंबई के माटुंगा की रहने वाली करीब 60 साल की स्वाति कनानी मरीन ड्राइव घूमने आई थी। उस वक्त मुंबई में काफी बारिश हो रही थी और हाई अलर्ट की चेतावनी भी थी। दोपहर के करीब 2:45 बजे जब हाई टाइड में समंदर की लहरें आसमान छू रही थी, तो स्वाति कनाकी का पैर फिसल गया और वो करीब 20 फीट नीचे समंदर में गिर गई। उस वक्त वहाँ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के दो कांस्टेबल किरण ठाकरे और अनोल दहीफले मौजूद थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बिना एक सेकंड गवाए समंदर में कूद गए और महिला को सुरक्षित बचा लिया। पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या किस तरह की घटना, आप खुद पानी में सही समय पर कूदे और उस लेडी को निकाला। नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ इसी लगाई गई है कि कोई अगर नीचे ना जाए, हम उनको मना करते हैं मत जाइए, पर देखने वाले लोग मानते नहीं, फिर भी वो चले गए। तो हमने कुछ सोचा नहीं उस टाइम कि हम वापस आएंगे नहीं, हमने सीधा नीचे जम लगा के उनको निकालने की कोशिश की है। आप, मौसम विभाग भी लगातार लोगों को वार्निंग देते रहता है लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुनते नहीं। आपने देखा यहाँ पर आज कितने लोग आए हैं और आप सीनियर सिटीजन लेडी को भी आपने रेस्क्यू किया, किस तरह की दिक्कतें थी उनको रेस्क्यू करने में पहले वो बताइए। रेस्क्यू में वो लाटें आती थी, इसकी वजह से वो दो हमने तुरंत उड़ी मारी अंदर और उनको निकालने की कोशिश की और हम उनमें सफल रहे। हमने सोचा नहीं क्या होगा आगे का, लेकिन उनको निकालना हमारा मकसद था, वो हमने वो हुआ तय हुआ। ठीक है, ऐसे में तो आपकी जान भी जा सकती थी, लहरें बहुत तेज चल रही है, आप मुंबई की बारिश तो जानते ही है। सर, जान जा सकती, वर्दी इसीलिए पहनी हमने, हमारा कर्तव्य है लोगों की जान बचाना, उनकी सेफ्टी करना, इसलिए हमारी जान का हमने परवाह नहीं की है। सर, बागुल सर जो कि सीनियर इंस्पेक्टर है मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के, सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके दोनों सिपाही अपनी जान की परवाह ना करते हुए कूद गए और वो लेडी सुरक्षित है, उनको अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। नहीं, ये हमारा ठाकुर और दहीफले जी, इन्होंने सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने उस महिला को बचाया। हाई टाइड चल रहा है और काफ़ी बड़ी ऊँची ऊँची लहरें उठ रही है और कट्टे के ऊपर बैठने की वजह से बारिश भी चल रही है और कट्टे के ऊपर बैठने के बाद वो फिसल गई और जिसकी वजह से पानी में वो गिर गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने बचाया, बहुत बड़ा काम किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन बारिश के वक्त समंदर किनारे घूमने आने वाले लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी गई। अब गुजरात के नखतराणा की ये तस्वीरें ही देख लीजिए। भारी बारिश की वजह से सड़क दरिया बन गई थी, बहुत तेज बहाव के साथ पानी आ रहा था। ऐसे में भी एक बाइक सवार ने सड़क पार करने की दुस्साहस की, लेकिन जैसे ही वो पानी के तेज बहाव के बीच पहुंचा तो उसकी हेकड़ी निकलने लगी। लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बाइक सवार को बचा लिया और बाइक को भी, उसे खींच कर किनारे ले आए और बाइक सवार की जिंदगी बच गई। सूरत की बराछा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक कुमार भाई कनानी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कॉमन एडमिशन सर्विस पोर्टल से हुई एडमिशन प्रक्रिया में धांधली का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री से पोर्टल की खामियों को दूर करने की उन्होंने मांग की है। दरअसल गुजरात सरकार ने कॉमन एडमिशन सर्विस पोर्टल में एडमिशन लेने वालों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जिक्र विधायक कुमार भाई कनानी ने अपने पत्र के जरिए किया है। शिक्षण विभाग ने जो नया पोर्टल बनाया है जिकास, वो एडमिशन की जो प्रक्रिया है कॉलेज की, वो प्रक्रिया में पोर्टल के हिसाब से विद्यार्थियों को जो तकलीफ हो रही है, एडमिशन में जो गलती हुई है उसके बारे में मैंने लेटर लिखा है। मान लो कि एक कॉलेज में 200 सीट है तो 200 सीट भरने का उसका आदेश दिया गया है, तो कॉलेज ने 500 विद्यार्थियों को ऑफर फॉर्म भेजा है कि एडमिशन आके ले जाओ, तो उसमें तकलीफ ये हुई कि जो पहले आए उसको एडमिशन मिल गया।
राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड के बाद कांग्रेस आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 जून को राजकोट बंद, अब कांग्रेस इस लड़ाई को गांधीनगर तक ले जाने की तैयारी में है। અગ્નિકાંડના પીડિતો માટેની લડાઈ હવે અમારી ગાંધીનગર પહોંચવાની છે અને સમગ્ર કોંગ્રેસ પરિવાર ગાંધીનગર પહોંચે ટૂંક સમયમાં એની જાહેરાત થશે અને ઢાંકણીમાં પાણી લઈને બીજા પણ જે કાંડ બનેલા છે, તક્ષશિલા હોય, મોરબી હોય, હરણીકાંડ, એના પીડિત પરિવારો પણ અમારો સંપર્ક કર્યો છે, એમનો અમે પણ સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ અને આ એકાદ બે દિવસમાં અમે બરોડા અને સુરત પણ જવાના છીએ। એ બધા જ પીડિતોની એકતાનો સરવાળો કરી ચલો ગાંધીનગરનો કોલ આપી ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ગાંધીનગર જઈશું, સત્તાધીશોને કહીશું કે તમારામાં શરમ લાજ બજી નથી એટલે તમે આમાં ડૂબી મરો। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। इस ऐलान के बाद सुनीता विलियम्स की सलामती के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। महसाणा में उनके पैतृक गांव जुलासन में अखंड ज्योति जला दी गई है, रामधुन गाई जा रही है। नासा के बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी लगातार चौथी बार स्थगित करनी पड़ी है। वो हमारे चाचा लगते हैं, हम पंड्या किशोर भाई कन्यालाल है, वो सुनीता विलियम्स हमारी बहन लगती है, वो यहाँ के है, वो गए अमेरिका और वहाँ वो हमारी बहन का जन्म हुआ और वो हमारी बहन ने बड़ी प्रगति की और आज वो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में है। तो हम हमारी माता जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन को सही सलामत माता जी यहाँ पृथ्वी पर परत लाए, कि हम सब गाँव वाले, गांव के सरपंच, गांव के डेलीगेट और हम हमारे पंड्या परिवार के समस्त भाइयों माता जी को प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी बहन को सही सलामत स्पेस स्टेशन के पृथ्वी पर परत लाए। राजकोट में आयुष्मान भारत योजना की आड़ में सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले अस्पताल का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक नेहत बेबी केयर नाम के अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए आने वाले बच्चों की लैब रिपोर्ट में छेड़छाड़ की जाती थी। इस अस्पताल ने सरकार को कैसे 65 लाख रुपए का चूना लगा दिया, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। राजकोट की एक अस्पताल के द्वारा पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत सरकार को बड़ा चूना लगाने का जो कोभांड है वो सामने आया है। राजकोट के लक्ष्मीनगर रोड पर आई हुई ये निहत बेबी केयर अस्पताल है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा सरकार को घोटाला कर बड़ा चूना लगा रही थी और 116 केसों में सरकार को 65 लाख से ज़्यादा का चूना इस अस्पताल ने घोटाला करके लगाया है। जो बच्चे यहाँ पर दाखिल होने के लिए आते थे, नवजात बच्चे, उनको किसी ना किसी कारणों सर यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए दाखिल एडमिट किया जाता था और उसके द्वारा जो बड़ा बिल बनाकर सरकार में भेजा जाता था और सरकार से पैसे ऐंठने की जो कोभांड है वो चल रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ है और राज्य की आरोग्य जो अधिकारी की जो कचहरी है उन्होंने इस अस्पताल को 10 गुना ज़्यादा, मतलब जो घोटाले की रकम थी 65 लाख, उससे 10 गुना ज़्यादा रकम का दंड है वो किया है। 6.5 करोड़ का दंड इस अस्पताल को, डॉक्टर हिरेन मसरू को किया गया है और भी अस्पताल जो इस प्रकार के कोभांड कर रही है उनको एक कड़ा संदेश देने का जो प्रयास है वो किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के कोभांड कई और अस्पतालों में भी सामने आ रहे हैं और किसी सभी अस्पतालों में, कई बड़ी अस्पतालों में इस प्रकार के कोभांड चल रहे होने की चर्चाएं जो चल रही है और उसी की वजह से सरकार ने एक कड़ा संदेश देने का प्रयास है वो किया है। और जो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर एडमिट किया जाता था, जो लैब रिपोर्ट्स है उनमें छेड़खानी करके यहाँ पर बच्चों को जो बिन जरूरी है, जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसी सारवार भी दी जाती थी और उसके बड़े बड़े बिल बनाकर सरकार में पेश किए जाते थे और उससे पैसे सरकार से ऐंठे जा रहे थे और उसका बड़ा कोभांड का पर्दाफाश हुआ है। अभी जो इस सभी बड़ी हॉस्पिटल है और बड़ी हॉस्पिटल उसमें भी एक, उसके संचालकों में भी एक डर का माहौल फैला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा दंड है। जो 65 लाख का घोटाला था उससे 10 गुना ज़्यादा रकम का पेनल्टी है सरकार ने इस अस्पताल को दिया है और जो और हॉस्पिटल है उसमें भी एक डर का माहौल है वो पैदा हो गया है। रौनक मजीठिया, आज तक, राजकोट। आजकल रासायनिक खेती छोड़कर किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ से एक गांव से आई हैं, जहां अन्नदाता गोबर से जैविक खाद बनाकर उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक खेती में कर रहे हैं। गोबर से जैविक खाद तैयार करते किसानों की यह तस्वीर गुजरात के गिर सोमनाथ की है, जहां इन किसानों ने रासायनिक खेती को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया है। यहां बड़ी संख्या में किसानों ने जैविक खेती की ओर रुख किया है। तो मेरा प्रोडक्शन होता है
वो मेरा प्रोडक्शन से मैं खुद प्रोसेसिंग करता हूँ, पैकेजिंग करता हूँ और फिर मैं प्राइस नक्की करता हूँ और कस्टमर को डायरेक्टली भेजता हूँ मैं। गिर सोमनाथ के गांव में ही ऑर्गेनिक खादों को तैयार किया जाता है और उसका ही इस्तेमाल किसान ऑर्गेनिक खेती में करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है। इससे न सिर्फ फसलों की उत्पादकता बढ़ती है बल्कि जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है। पिछले 3-4 सालों से जैसा कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है, ICAR का इंस्ट्रक्शंस है, वो हम उसको प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अभी तक बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी है और बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, प्राकृतिक खेती प्रारंभ किया है और सेल प्रोडक्ट बनाकर उसकी ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं और खेती में लागत को कम करके अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हाल के दिनों में ऑर्गेनिक खेती का चलन काफी बढ़ा है और गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के गांव इस पद्धति को अपनाकर कमाई भी कर रहे हैं और प्रकृति को भी सहेज रहे हैं। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।